देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से तारागढ़ के लिए गाड़ियाँ लगती हैं। ढाई दिन का झोपड़ा के पास में ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से तारागढ़ वगैरह के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो अभी पूछते हैं इनसे क्या कितने रुपए लेते हैं ये लोग। देखिए यहाँ से ये गाड़ी जा रही है, अभी हमने 100 रुपये में ठहराया है। 100 रुपये में आने जाना एक बंदे का, पूरा पहाड़ पर लेके जाएंगे, 1 घंटा वहाँ पर रुकेंगे, फिर 1 घंटे के बाद वहाँ से आएंगे। तो वहाँ पे अभी हम दरगाह पे जाके हाजिरी देंगे। आजा जी उतरवा दो पैदल आ जाना, पीछे पीछे भाग। हम लोग उधर से गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये तारागढ़ पे पहुंच चुके हैं।
तो अभी हम ये तारागढ़ गाड़ी पे से उतरे हैं। गाड़ी जहाँ पे रुकती है बस टैक्सी स्टैंड है, उसके पास में ये यहाँ पे करबला है, ये देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे जाके दरगाह है, तो अभी हम करबला की तरफ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हम करबला में पहुँच चुके हैं। ये तारागढ़ पहाड़ के ऊपर ही है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अंदर की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से पूरा अजमेर दिखाई दे रहा है। अभी हम ऊपर तारागढ़ पहाड़ पे हैं, करबला में हैं, तो ऊपर से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये छोटी जगह बड़ी जगह यहाँ पर भी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम दरगाह में पहुंच चुके हैं, तारागढ़ दरगाह हजरत सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। ये शहीद हैं, आले रसूल हैं। ये देखिए जो सामने गुंबद दिखाई दे रहा है, यही रोज़ा है हजरत सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह साहब का। और यहाँ से देख सकते हैं पूरा दरगाह का कैंपस। हाँ।